यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश का पेपर लेकर आ गए हैं और ये आपका ईबी पेपर कोड है। सभी बच्चे बताएंगे कैसा पेपर गया। मैंने जो आपको बताया था, देखिए भैया ये मैं करवाया था, अर्ली राइजिंग लीड टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मैंने करवाया था सर। करवाया था कि नहीं, अब ये मत बोलिएगा गुरुदेव हमारे कोड में नहीं फंसा। मैं बोलता हूँ ना, यस के एम स्टडी पेपर के लिए नंबर वन था, है, रहेगा। हाँ माफी चाहते हैं, कुछ सेट में अगर ना फंसे वो अलग की बात है, लेकिन करने का तरीका गुरुदेव जबरदस्त था, बहुत कैजुअल था गुरुदेव। है कि नहीं? एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज अब तो सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो भाई, अब तो विश्वास हो गया है, एस के स्टडी पर ट्रस्ट हो गया, भरोसा हो गया है ना, तो अब कर लो। आपने किया है कि नहीं? और आप ये पहले बताइए कि आपने कॉपी भरा है कि नहीं। आई होप आपने कॉपी भरा होगा, अब आपका विश्वास बहुत अच्छे से बना होगा। अब हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री जो पेपर बचा हुआ है ना गुरुदेव, तोड़ देंगे एकदम, तोड़ के एकदम गुरुदेव खत्म कर देंगे इसको, टेंशन नहीं लेना है गुरुदेव। 70 में 70 एकदम गुरुदेव पक्का करेंगे। मेरे करेजारों के बाद चपुआ कमेंट करो तो बताएं। यहाँ पे 100 में 33 नंबर आपको पास मार्क का था, 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया था, सेम टू सेम वैसी पेपर था ना। फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द रीड क्वेश्चन पेपर, और जो क्वेश्चन पेपर था 3 सेक्शन में डिवाइड था, ए बी सी डी, ऑल क्वेश्चन ऑल सेक्शन ऑल कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य था। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले सेक्शन ये था आपका रीडिंग, रीडिंग गुरुदेव आप 15 नंबर का था यार, बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले आपके पैसेज था, अब पैसेज देखिए, और पैसेज देखने के बाद आप देखो यार क्वेश्चन देखिए। अब बताइए, अब क्या इसको नहीं आप कर पाए, अब क्या इसको आप नहीं कर पाए बताइए। हाँ, वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, अब इसको आप नहीं कर पाएंगे, क्यों है भैया, क्यों है? क्योंकि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी कि जो बहुत जल्दी उठ जाता है, बहुत जल्दी उठ जाता है उसके गुरुदेव फायदे क्या है, वो हैप्पी रहता है और क्या रहता है, हेल्दी रहता है। मैंने कल दोपहर वाले जो लाइव क्लास में पेपर दिया था उसके कई क्वेश्चन है। अब बताइए भाई साहब, फंसे हुए प्रश्न है आपके सारे के सारे, जो प्रश्न है फंसे हुए हैं। अब ये मत बोलना कि गुरुदेव हमारा पेपर में नहीं आया, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, आप लोग करके आओगे यार, चिंता मत करो आप। बाकी जो बचा हुआ पेपर में है गुरुदेव, उसको भी गुरुदेव हम लोग करेंगे पूरा पूरा, उसको भी हम लोग गुरुदेव पूरा अच्छे से करेंगे, चिंता नहीं करने का, ठीक है ना, ठीक है। अब देख लिया यहाँ पे अगला है, यहाँ पे व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, अब देखिए ये भैया मिडनाइट ऑयल, अब सम थिंकर्स वाला देखिए कहाँ पे है, कहाँ पे है? आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको यहीं पे देखिएगा, यहीं पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए मिडनाइट कहाँ पे है, आपको सम थिंकर्स जहाँ पे दिखेगा बस वही इसका गुरुदेव हमारा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, हाँ, सेवरल ग्रेट थिंकर्स सी दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली वेन दे, वेन दे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर वेन दे, ठीक है ना, वेन हर एक चीज यहाँ पे मैं भी बता रहा हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल एट इट ट्रू टू से द फ्यू मैन हैव क्लियर ब्रेन एंड मिडनाइट, तो इसको आप कर सकते हैं, ये सब आप कर लिए होंगे, उसके बाद ये भी आप कर लिए होंगे। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, क्या क्या डिसएडवांटेज है। फिर यहाँ पे व्हाट आर पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर एंड मिडनाइट आवर, 3 नंबर का है। फिर आपके 21 नंबर वाले ये थे अपोजिट, और ये सब कुछ पिछले आपके जो जो पिछले साल के पेपर थे वहीं से ये पूरा पूरा उठाकर बनाया गया है सर, पूरा पूरा उठाकर बनाया गया है। तो ये 15 नंबर आप कर लिए होंगे ढूंढ ढूंढ के। सेक्शन बी सर राइटिंग, मैंने इसको करवाया भी था सर, इसको तो मैं आज ही सुबह वाले में करवाया था, आपने किया था कि नहीं फ्लड वाला, मैंने आज ही सुबह करवाया था, नहीं विश्वास है तो जाके भैया यूट्यूब पे देख लो, लाइव क्लास मैंने पढ़ाया था, अब तो विश्वास हो गया है ना एस के एम स्टडी पर, विश्वास हो गया या नहीं, एक बार से बच्चे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ ट्रस्ट हो गया सर जी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या सेक्शन भी राइटिंग जो है 10 नंबर का है सर। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट एट स्कूल, यानी कि यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट पर आर्टिकल मैंने करवाया भी था, ऑनलाइन क्लासेस का था, और यूजफुलनेस आप गुड लाइब्रेरी इस पर था, तो इसका तो मैंने करवा ही दिया था कि आपका स्पोर्ट एंड गेम पर आ जाए, हेल्थ पर आ जाए, तो मैंने करवा दिया था। और फिर देखिए आप 10 नंबर का आपका लेटर आया है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लड इन योर टाउन ऑफ और विलेज, तो इसको मैं करवाया था, 10 नंबर का था लेकिन मैंने करवाया था, इसीलिए मैं भैया जितने भी आपके आने वाले प्रश्न रहते हैं हर एक मैं आपको करवा देता हूँ, हर एक मैं आपको चीजें करवा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो,
क्लियर है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो सर आप लोग बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपसे जरूर से जरूर हम पूछेंगे गुरुजी, और हम आपका रिप्लाई भी देंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेवरल लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज। इसको भी मैं करवाया था, ठीक है, प्रिंसिपल के लिए मैं अलग किया था, लेकिन गुरुदेव थोड़ा बदला गया है, सेवरल लाइब्रेरीज हो गया, हाँ लेबोरेटरी जो होता है वो है, कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा सा चेंज करके। सेक्शन सी ग्रामर करवाएंगे। अब सेक्शन सी तो आपका भैया, ये तो आप तुक्का करके आए होंगे, हाँ नहीं आया होगा तो ये अलग की चीज है कि करके आओगे। देखिए यहाँ पे ये है, ठीक ना, इधर चलेंगे, गुरु जी बोल के हम टाइम निकाल करवा देंगे। ये आपका देखिए, हाँ पिक होल इन, ये तो आपका भैया, मैं सीधा ही बोला था कि ग्रामर का एक अलग ही पोर्शन है, इसमें तो हम नहीं कहेंगे फंसेगा, क्योंकि ये बदलता रहता है, कुछ भी एग्जामिनर दे देगा। लेकिन पैसेज, आर्टिकल, लेटर, ये सभी के सभी आपके क्वेश्चन पेपर में देखने मिलेंगे। फिर आप सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, हाँ इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पूरा इस प्रकार से ये पेपर था। और आप लोग कमेंट करो कि आपका पेपर किस प्रकार से इस बार आया था। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, यहाँ पे डायनेमिक, इसको सिंपल में बदलना था, इसको आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना था, इसको आपको पैसिव वाइज बदलना था, इसको आपको इंट्रोगेटिव में बदलना था, ठीक है ना? और फिर आएंगे इधर तो वीक एंड वीक, एक सप्ताह होता है, एक एक्सेप्ट और एक एक्सेप्ट होता है, ई एक्स पी सी टी और ए डबल सी ई पी टी, तो ये सब दो दो नंबर की थी। इंग्लिश वाला आपका ट्रांसलेट आया था, मैंने कहा था कि देखिए अलग अलग आता है, इस बार भी अलग आया है, तो ट्रांसलेट वो कुछ भी देख सकता है। ग्रामर का मतलब ही है कहीं से भी भैया पूछना, ग्रामर कभी भी फंसता नहीं, बल्कि आपका आर्टिकल फंसेगा, लेटर फंसेगा, पैसेज फंस सकता है, सेंट्रल आइडिया फंस सकता है, लेकिन गुरुदेव आपका पैसेज होता है, इंग्लिश ट्रांसलेट ये आपको खुद से करना रहता है, क्योंकि आपके ग्रामर पर आधारित होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा फंसता होगा। अब सेक्शन मैंने ये कल आपको करवाया था दोपहर में, और वही आया हुआ है, ये भी मैं आपको करवाया था वही आया हुआ है, तो जो जो मैं करवाया था आप खुद देख लीजिए सर, वही यहाँ पे छपे हुए हैं। अब ये मत बोलिएगा कि गुरु जी आपने नहीं करवाया था, जो मैं करवाया था वो फंसा हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूँ यस केम स्टडी भैया, जो आपके गेस्ट पेपर के लिए नंबर वन था, है, रहेगा, और आप सभी के प्यार की वजह से, आपको आपको आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आप लोग सपोर्ट करिए एक बार हमें। सर पता है ये पेपर तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही मेहनत, रात रात जागना पड़ता है, उसके बाद आपका जाकर एक पेपर तैयार होता है सर, और उसके बाद आपको हम डिलीवर करते हैं, ऐसे नहीं सर दे देते कि जो आपके एग्जाम में आता है फंसता है। हर एक मैं करवाया था, आपके जाके मिला लीजिए, ये भी मैं करवाया था, ये भी मैं करवाया था, जो नहीं है उसको मैं नहीं करवाया था, लेकिन ये सब आपके आए हुए हैं, लीजिए ये भी है आपका एक्सट्रैक्ट मैं करवाया था, और एक्सट्रैक्ट आंट जेनिफर्स टाइगर वाला यहाँ पे बना हुआ है, आंट जेनिफर्स टाइगर वाला यहाँ पे बना हुआ है एक्सट्रैक्ट। सेंट्रल आइडिया फंसा था, नहीं चार अंकों का फंसा था ना, 100% फंसा ही होगा भाई, फंसा था नहीं, एक बार कमेंट में छापिए गुरुदेव, बिल्कुल गुरु जी फंसा था, और मैं पूरा पेपर छाप के आए हूँ। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको जब तक सारे पेपर क्वेश्चन को करना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, आप गलत ही करें लिख कर आए, लिख कर आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा, छोड़ कर आएंगे तो नंबर कटेगा। माई मदर एट 66, आई थिंक आप ब्यूटी कीपिंग किट मैंने सुबह ही करवाया था, वो आपका 4 नंबर का बिल्कुल आया हुआ है, और ये सब आपका मैं करवा ही दिया था, ये भी मैं करवाया था, ये भी मैं करवाया था, ये भी मैं करवाया था, तो देखिए सब आपके आए हुए हैं। आप यहाँ पे देखिए बड़े बड़े वाले वाले, ये मैं कल ही करवाया था, जाके देख लेना, ये मैं कल ही करवाया हूँ लाइव क्लास में, और आया हुआ भी यहाँ पे, हाँ आया हुआ कि नहीं, तो यही है ना कि एसके मिश्री आपके लिए भैया बेहतर पेपर बनाता है, इसलिए आपको सपोर्ट करना है, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो भाई, अब नहीं 8 लाख भाई पहुंचवा दो, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।